ओके बच्चों, इससे पहले वीडियो हमारे मेरी एक्चुअल में वीडियो बना रहा था, स्पेस स्टोरेज इन ख़त्म होने की वजह से स्टोरेज था ही नहीं बिल्कुल, तो वीडियो बन नहीं पाई। तो जितनी वीडियो बनी उतनी ही हमने पहले वीडियो हमने डिस्कस आपको सेंड कर दी। तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे इसमें बात करेंगे फॉर अनलाइक चार्जेस। जो इस चार्जेस में क्या था, फॉर अनलाइक चार्जेस मीन्स जो प्लस क्यू और माइनस क्यू, आपको पता है अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, है ना। तो उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी रिप्रेजेंट होती हैं वो बात करेंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, या डाइपोल भी बोलते हैं इसको, जब दो चार्जेस होती हैं तो उसको डाइपोल बोला जाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हमने लिया, है ना। ये दोनों चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कहीं पे यूनिट पॉजिटिव जो यूनिट टेस्ट चार्ज होगा कहीं बीच में होगा इन दोनों के। ओके बच्चों, तो नाउ जैसा पता है आपको, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, हमने ये बना दी। ओके, तो ये भी बना दिया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बनाया। ये यहाँ तक पास थे, तो यहाँ से इसको क्या मिल गई, थोड़ा सा डिस्टेंस मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा था, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इसका हल्का सा लेस होने लग गया, कम होने लग गया, तो इसलिए इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, है ना। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड्स जो होता है वो डिपेंड करता है कि इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके साथ है, वन अपॉन आर स्क्वायर के, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमने देखा, जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड्स होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा, उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट था कम हुआ और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस आ गई। यहाँ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है वो इसी के साथ क्लोज है ज़्यादा, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होने लग गई, सेपरेट होने लग गया, मीन्स इसकी डिस्टेंस, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होने लग गया। ओके, तो सेम चीज़ बनाई, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टेंस था, इसीलिए यहाँ पे कोई भी लाइंस प्रोड्यूस नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है ही नहीं, ना के बराबर है। ओके, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है वहाँ पे बना रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भाग रहा है इस तरीके से, है ना, और नेगेटिव चार्ज पे पास आ रहा है इस तरीके से। ओके बच्चों, तो ये है फॉर अनलाइक चार्जेस का रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइन्स। बात करेंगे फोर की, फॉर द सिमिलर चार्जेस, जब दो दो चार्जेस सिमिलर होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दोनों मीन्स चार्ज के हैं, सिमिलर हैं, उस केस में क्या होगा, ये देखो क्यू वन एंड क्यू टू इक्वल हैं दोनों के, तो क्यू वन एंड क्यू टू चार्ज लिया हमने, मीन्स इनका मैग्नीट्यूड्स क्या है, इक्वल है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बराबर होंगी। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगे, तो कहीं बीच पॉइंट पर, जैसे पॉइंट पी है, पी जे न्यूट्रल पॉइंट होगा, पॉइंट पी पे आके इन दोनों का रिपल्सन हो जाएगा, यहाँ पर आई तो यहाँ से इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इसका फोर्स था उतना ही, जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका ही वही उतना ही मैग्नीट्यूड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी था, तो दोनों बीच में आके क्या होंगे, रिपेल करेंगे, है ना। इसने इसको धकेला, इसको इसको धकेला, तो कोई ना इस पर इफेक्ट पड़ा ना इस पर इफेक्ट पड़ा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था रिपेल होके ऊपर साइड चले गया और यहाँ नीचे साइड आ गया, है ना। इसीलिए हमने पी पॉइंट को क्या बोला, न्यूट्रल पॉइंट, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटेंसिटी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। एंड इट इज एट द सेंटर ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू, क्यू वन एंड क्यू टू के सेंटर पे होगा ये पॉइंट पी। ओके, नाउ बात करें सेकेंड पॉइंट है, इफ क्यू वन लेस देन, क्यू वन ग्रेटर देन क्यू टू, जो क्यू वन है, क्यू वन चार्ज क्यू टू से ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमने बनाया प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू। जब क्यू वन ज़्यादा है मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, और क्यू टू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, इट मीन्स यहाँ पर कहीं पॉइंट पी होगा, है ना। जब इसका ज़्यादा होगा तो इसके पास होगा कहीं पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम है ना, तो इसका कम हुआ तो इट मीन्स यहीं आसपास में होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको ये क्यू वन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ तक आ गया और क्यू टू का उसके पास में ही रखा, है ना। यहाँ पे भी इन दोनों ने क्या किया, रिपेल करना स्टार्ट हो गए, रिपेल किया। अब यहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट पी है, न्यूट्रल पॉइंट पी शिफ्ट टूवर्ड्स द चार्ज क्यू टू ऑफ स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि इसका क्यू टू का इस मैग्नीट्यूड स्मॉल था, इसीलिए पी इसके पास जाके शिफ्ट हो गया। ओके बच्चों, नाउ फिफ्थ जो पॉइंट है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से पैरेलल होंगी,
दीज लाइन्स आर इन इक्वी डिस्टेंस। पैरेलल लाइन्स क्या होंगी? इक्वी डिस्टेंस मीन इसकी और इसकी डिस्टेंस क्या होगी? इक्वी डिस्टेंस होगा सभी का, है ना, ये इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अब आगे आप पढ़ोगे या आप कुछ जो इसके बाद जो अब आपकी नीट की एग्जाम्स होंगे तो उस टाइम पे इस टाइप का सिंबल आएगा, तो आप समझ जाओगे, आपने समझ जाना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। ओके बच्चों।